नमस्कार मेरे भाइयों तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं पता है क्या कर रहा हूँ पर्सनली ग्रूम कर रहा हूँ ट्रेन कर रहा हूँ उन बच्चों को जिनको अभी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो मैंने क्या किया है एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है स्पेसिफिकली अकाउंटेंसी के लिए वहाँ पे अच्छे खासे बच्चे हैं जिनको मैं वीडियोज़ के थ्रू रेगुलर जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ उसमें प्लस क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि भैया क्या हो अगर गैस पेपर में हम एनरोल ना करा पाए तो तो तुम्हारे लिए मैंने क्या किया वो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के लिए थ्योरी पूरी वहां पे अवेलेबल करवा दिए थ्योरी पूरी तुम्हें मिल जाएगी शीट्स के थ्रू सेकंडली तुम्हें वहां पे अकाउंट्स की मास्टर शीट्स मिल जाएंगी क्योंकि यार कंफ्यूजन होता है कि तुम क्या पढ़ो और कितना पढ़ो होता है कि नहीं होता है लाइक एंड टाइम है शायद किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा हो आ, शायद किसी ने पढ़ा हो लेकिन कंफ्यूज जो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं शायद कोई टॉप करना चाह रहा हो और उसको सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जरूरत हो तो भाई ने क्या किया अकाउंट्स की मास्टर शीट बनाई है सी एफ एस की कैश फ्लो स्टेटमेंट की वहां पे अपलोड कर भी चुका हूं तुम उसको करना शुरू कर सकते हो तुम्हारे 40 40 गारंटी अगर तुम गेस पेपर और जो वर्कशॉप होने वाली उस में नहीं भी हो तो भी। अब अच्छी बात कर ली भाई हैप्पी चीज कर दी अब आगे बढ़ते जो मेन मुद्दा है मेरा। देखो यार, मेरे को 10 CFS बताने। अब ये मान के चलो 99.9% इन्हीं में नाइन परसेंट से एडजस्टमेंट आने वाले एक आज जो डिबेंचर वाला है शायद वो फंस जाए लेकिन 99.9% यही आने वाले हैं जो टॉप नाइन आज मैं तुमसे डिस्कस करूंगा और यहीं पे तुम लोग गड़बड़ी करके आते हो तो चलो यार पढ़ना चालू करते हैं नंबर वन के साथ पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अब इसमें तुम कहां गलती करते हो मैं बताता हूं जब भी एडजस्टमेंट में तुम ये टर्म लिखा देखते हो तो तुम्हें तो समझ में नहीं आता कि ये टैक्स पेड है या फिर प्रोविजन बनाया गया है तो मैं तुम्हें पे सिंपल लिख के दे देता हूं अगर तुम्हें ये लिखा मिले तो प्रॉफिट एंड पी एंड लॉस दो फिर इसको वो जो लेजर बनाते हैं उसमें पुट कर देना उसमें कहा पुट होगा बाय साइड पुट होगा और साइड पुट करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया टैक्स पेड कितना आया है मतलब यहां पे तुम्हारा टैक्स पेड उसके थ्रू निकल आएगा इस प्रोविजन फॉर टैक्स के थ्रू मतलब अगर एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स नाम है तो तुम्हें पता है कि ये वाला आइटम है वहां जाके ऐड होगा और लास्ट में इसी के थ्रू टैक्स पेड निकाला जाएगा चल, आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में पूरा ऑपरेटिंग का जो आंसर आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश जनरेटेड जो आता है, है उसमें से नीचे जो माइनस टैक्स पेड होता है ये वो वाला टैक्स पेड है वाला एडजस्टमेंट मैंने क्लियर कर दिया कैश जनरेटेड फ्रॉम या कैश फ्लो जो भी तुम बोलते हो उसको वैसे जनरेटेड जनरली बोला जाता है जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से फाइनल टैक्स पेड जो माइनस होता है ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वो वाला होता है और इसके थ्रू जब इसका तुम लेजर बनाओगे इसके थ्रू जब तुम लेजर बनाओगे यहां पे तुम टैक्स पेड वगैरह डालोगे वैसे बैंक के आ कि निकल के, के थ्रू तुम्हारा लिखा जाता है, इससे तुम्हें पता चलेगा के कितना प्रोविजन बना है जो अगेन मैंने तुम्हें पीछे ही दिया है पी एल में जाके प्लस होता है मतलब वाइस वर्षा है अगर प्रोविजन दिया हुआ है तो उसके थ्रू पेड निकलेगा फिर अगर पेड दिया हुआ है तो उसके थ्रू प्रोविजन निकलेगा उल्टा चलता है पूरा तो ये दो एडजस्टमेंट्स तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जनरली इनके बीच बहुत कंफ्यूजन होता है, एंड इसलिए मैंने सबसे पहले टॉप टू यही वाले लिए। Now, देखो यार, का मतलब क्या है तुम पे दे like, written, dividend, वो किसकी बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की अब अगर प्रपोज डिविडेंड का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें माइंड क्लैरिटी रखनी है ओके प्रपोज्ड डिविडेंड है मुझे कौन सा ईयर लेना है प्रीवियस अमाउंट लेना है मुझे प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना है करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड से मुझे कोई लेना देना नहीं है यह तुम्हें याद रखना है ठीक है मैंने क्लियर कर दिया कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ गया और अगर प्रपोज डिविडेंड तुम पे कर रहे हो इक्विटी पे तो हिंट क्या है कि फिर तुम्हें प्रेफरेंस पे डिविडेंड देना ही पड़ेगा वो जो प्रेफरेंस के टेन परसेंट वगैरह लिखा होता है

तो मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझा देता हूं काफी बच्चों को डाउट है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भैया कहां आता है तो सिंपल बता रहा हूं मेरे भाइयों सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिर्फ फाइनेंसिंग में आता है और कहीं नहीं आता है ऑपरेटिंग में बिल्कुल नहीं आता है मैंने यहां पे क्रॉस लगा दिया है गलती से भी मत सोचना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को ऑपरेटिंग में लिखने के गलत हो जाएगा कहां आएगा सिर्फ फाइनेंसिंग में और फाइनेंसिंग में भी क्या होता है एड होता है क्योंकि जनरली सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ता ही है

कोई ऐसी बुक लेके बैठा होगा जो अभी तक अपडेट ही नहीं की गई है उसमें प्रिंट अपडेट नहीं किया गया है कि एक्चुअल में इनके एडजस्टमेंट्स क्या हैं तो मैं बहुत ऑनेस्टली जो एक्चुअल एडजस्टमेंट है वो तुम्हें बताऊंगा बाकी तुम्हारे ऊपर है ठीक है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये ऑपरेटिंग में जाकर एड होते हैं एज नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स ठीक है ये मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हें बोर्ड्स में मार्क्स दिलवाएगा फिर से बोल रहा हूं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखा हुआ दिख जाए में, अगर बड़ा क्वेश्चन है पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है तो फाइनेंसिंग में जाके यही चीजें माइनस होंगी ऑपरेटिंग में यही चीजें प्लस होंगी क्या मैं क्लियर हूं अच्छा इसके साथ साथ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के साथ एसपीआर भी दे रखा हो तो दोनों का अभी कोई रिलेशन नहीं है एसपीआर मैंने सिखा दिया ना तो मैं क्या करना है एसपीआर के साथ सीधे फाइनेंसिंग में ले जाओ उसका ऑपरेटिंग से कोई लेना ही देना नहीं है ठीक है है उसको फाइनेंसिंग में में लेके गए इनको तुम्हें ले देकर ऑपरेटिंग दिखाना ही ऐड करके और फाइनेंसिंग से माइनस करके दिखाना ही है दिस इज द फाइनल एडजस्टमेंट याद कर लो एसपीआर से कोई लेना देना नहीं है और एसपीआर से डायरेक्ट लेना देना किसका है उस पे मैं आ रहा हूं ठीक है टेंशन मत लेना वो एसपीआर तो वहीं जाएगा फाइनेंसिंग में जाएगा एसपीआर का कोई टेंशन नहीं लेना है लेकिन हाँ

ये ऑपरेटिंग में नहीं आएंगे एनी हाउ एनी वे चाहे वो बैलेंस शीट में दिया हो चाहे वो बैलेंस शीट में ना दिया हो एंड इसके पीछे बहुत लंबा लॉजिक है मैंने एम सीरीज में बहुत डिटेल में समझाया है लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो ये दोनों इन एनी कंडीशन चाहे बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज जैसे दिया हो चाहे बैलेंस शीट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हो इनका दे विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे विल डायरेक्टली डिडक्टेड माइनस किया जाएगा सीधे सीधे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से बात खत्म ठीक है मेरे को इसके अंदर ज्यादा इंडेप्थ जाना ही नहीं है अभी उतना बताना है जिससे तुम्हारे लॉजिक्स क्लियर हो जाए और वही मैंने तुम्हें यहां पर बता दिया अगर ये लिखे हुए तुम्हें दिख जाए प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ आइदर डिवेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियर्स तो ये जो प्रीमियम का जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है या जो भी एक्जेक्ट अमाउंट दिया हुआ है वो तुम्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से सीधे माइनस करना है ऑपरेटिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा ट्रीटमेंट किसका होगा डिस्काउंट ऑन एश्योर ऑफ डिवेंचर्स का और लॉस ऑन ऑफ डिवेंचर्स का ठीक है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहां आएगा सीधे फाइनेंसिंग में आएगा एड होगा खत्म तुम्हें ज्यादा इन डेप्थ जाना ही नहीं है आगे बढ़ता हूं uh, मैंने क्या एडिशनल पेज खोल दिया देता हाँ अगर गेन होता है या लॉस होता है तो गेन को तुम्हें माइनस करना है ऑपरेटिंग से इफ इट इज गेन और अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन मैंने एग्जांपल के लिए लिया है और अगर लॉस हो रहा है तो उसको एड करोगे ऑपरेटिंग में इफ इट इज अ लॉस और ये दोनों कहां पर आते हैं ये तो आ जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में और यह आ जाता है नॉन कैश आइटम में या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में जो तुम उसे बोलते हो उस हिसाब से तुम्हें उसको लिख देना है ये सात पॉइंट हो गए तीन पॉइंट और बचे हैं जल्दी जल्दी सुन लो मेरे से एथ पॉइंट कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नाउ ये भी अधिकतर बच्चों की कंफ्यूजन है अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इट इज नॉट समथिंग जो फाइनेंसिंग का पार्ट बन सकता है और जो इन्वेस्टिंग का पार्ट बन सकता है एट एनी कॉस्ट इट इज नाइदर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये दोनों एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है इसलिए ये 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 ना ना फाइनेंसिंग में में आ सकता है, ना में आ सकता सकता है ये है है इन्वेस्टिंग सिंपल सा लॉजिक एक्सपेंसेस खर्चा ही है और ना ही ये फाइनेंसिंग का पार्ट है ना ही ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है इसलिए इसको आपको ऑपरेटिंग में एड करना पड़ता है खत्म बात ऑपरेटिंग में भी कहा वही नॉन कैश आइटम्स के अंदर देखा सिंपल है

अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिया हो तो तुम्हें इसे ऑपरेटिंग में अगेन सीधे ऐड कर देना है नॉन कैश आइटम जैसे। और लास्ट में एक अच्छी चीज़ टेंशन मत लेना, है? अगर year, दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है एंड फाइनली जो मुझे बताना था इलेवंथ वाला पॉइंट पॉइंट है मैंने सोचा मस्ती -मस्ती बता दूंगा इलेवंथ पॉइंट कहता है अगर डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ मशीन पे है जो आप मशीन या कुछ भी बेच रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है तो वो डेप्रिसिएशन यूज होता है गेन या फिर लॉस फाइंड आउट करने के लिए जो मशीन बेची गई है वो अगर डेप ऑन सेल ऑफ मशीन है अब तुम बोलोगे भैया एग्जाम्पल दो बिल्कुल देगा भाई तुम्हारा देखो यार अगर तुम्हारी मशीन फोर्टी की थी और उस पर टोटल डेप था डेप टोटल होने का मतलब अक्यूमलेटेड डेप था टे डेप जो था वो अराउंड था मान लेते हैं टेन थाउजेंड का ठीक है और लिखा हुआ है सोल्ड फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पच्चीस हजार में बेच दी गई तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा कि ये जो मशीन बेची गई है इसमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है तो तुम क्या करोगे चालीस हजार में से ये दस हजार का एक्यूबलेटेड डेप माइनस करोगे चालीस माइनस दस कितना होता है तीस हजार होता है तीस हजार की मशीन कितने में बेची गई पच्चीस हजार में मतलब पता चला कि लॉस जो है वो पांच हजार रुपए का है ये तुम्हारे पूरे वो बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं जो इस बार टर्म टू में आने के चांसेस 99.9 नाइन परसेंट है एंड फाइनली uh, मैं तुम्हें एक चीज बहुत अच्छी बताई चुका हूं जरा देख लो लास्टली कि मैंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है फॉर दोज uh, जो मेरे से वो सपोर्ट चाहते हैं मेरे से वो गाइडेंस चाहते हैं उन्हें चाहिए कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से वो पता चल जाए मास्टर शीट उनको चाहिए है रेगुलरली uh, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आने वाले हैं वो मैं बताते चलूँ तुम्हारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाओ वहां से ज्वाइन करो और पार्ट बन जाओ सी फैमिली का ताकि तुम्हें भी यह लगे कि कोई तुम्हें है पर्सनली सपोर्ट करने के लिए तो तब तक के लिए बहुत ज्यादा प्यार और धन्यवाद